तीर को देखो बिल्कुल आर पार कर दिया इन्होंने। चली गई भाई, फाइनली भाई ने निकाल लिया उसके अंदर से निकाल लिए और अभी जिंदा है यार। मैं देख नहीं पा रहा, मैं भाई आज जो आपको एक्सपीरियंस होने वाला है ना, वो रियल एक्सपीरियंस होने वाला है जो हमारी जनरेशन के लोग जीते थे जिस हिसाब से। तो उस सब लोग आ चुके हैं, इनके कुत्ते भी आ चुके हैं, तो अभी जाएंगे हंट के लिए, पूरा प्लानिंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइज, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है यार। आप देख रहे हैं अभी मैं जंगल में हूँ, मेरे पीछे पूरा फॉरेस्ट है ये, और अभी मैं जा रहा हूँ यार लास्ट हंटर गैदर्स जो हैं उनके साथ हंटिंग पे जा रहा हूँ, और मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कि वो कैसे हंटिंग करते हैं। और यार वो तो इनकी किस्मत पे, आज इनको क्या मिलता है। ट्राई ये करते हैं कि बड़े से बड़ा एनिमल इनको मिल जाए, तो काफ़ी टाइम तक ये खाते रहे उसको। किसी पशु के निशान दिख गए इनको पैरों के, देखो ये उसको देख रहे हैं, इसके अंदर गया है कोई। और इनके कुत्ते हैं ना भाई, बहुत क्लियर है, इनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि हाँ इधर ही कुछ है। इधर तो नहीं मिला इनको, अभी उसको दूसरी साइड में देखेंगे। निकाल ली भाई, फाइनली भाई ने निकाल लिया यार उसके अंदर से निकाल लिए, और अभी जिंदा है यार। मैं देख नहीं पा रहा, मैं सिर्फ कैमरा किया हुआ उधर, और ये तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है यार। जिंदा को यार इसने अंदर से निकाल लिया तीर मार के। मिला, चलो चलते हैं। उड़ गया भाई, कोई पक्षी था। हिम्मत नहीं हारते, एक चीज मैंने देखी है, तीन बार इन्होंने कोशिश कर ली, तीनों बार खाली आते हैं, फिर भी फुल डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं ये लोग। अरे भाई मार दिया उसे, मार दिया। ये लो ये भाई, इसका आज का पहला शिकार है। यार मेरे को अच्छा तो नहीं लग रहा, अभी देखना ही। ये चिड़िया है भाई, अभी जिंदा है, बट अभी यार ये क्या करें, ये भी इसी पे जीवन जीते हैं तो अपन जज नहीं कर सकते। अभी देखो अभी इनको दूसरे शिकार का सिग्नल मिला है, वो भाग रहा है भाई। को भाई आज लग रहा है अभी किस्मत खुल गई इनकी। कितने भारी भारी पेड़ हैं, इनमें पता नहीं क्या क्या जानवर रहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने इनका घर दिखाया था आपको एक वीडियो में, वैसे ही जब ये सूख जाता है या बहुत पुराना पेड़ हो जाता है तो ये लोग इसको नीचे से काट देते हैं, मतलब और हट टाइप में बना लेते हैं, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ है। यार वो खुद तो निकल गया, मैं फंस गया यहाँ झाड़ियों में, अब देखता हूँ। यार मुझे लगता है मेरे को दूसरी साइड जाना चाहिए, इधर से ही निकलते हैं यार। फंस गया भाई बुरी तरीके से। वो यार मेरे बैग में बहुत तेज फंस, भाई मैं फंसने के बाद यार मैं उनसे बहुत पीछे रह गया हूँ, और मेरे हाथ में भी लगी है यार, इधर ब्लड आ रहा है मेरे हाथ में,
आगे जाके उनसे मिलता हूँ और कुछ इसका इंतजाम करता हूँ। बहुत खतरनाक है यार ये, कांटे ही कांटे यार। मुझे अभी थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा क्योंकि मैं उनसे भटक गया हूँ यार, वो लोग मेरे से अलग चले गए। भाई जो लकड़ी के लकड़ी को जो काटता है ना जो पक्षी, वो वाला पक्षी मिल गया इनको, लगता है। ये भाई एक और शिकार है भाई का आज का, ये एक और शिकार पा लिया इन्होंने। देखो व्हाट इज दिस, ब्लू नेप्ट। और भाई बीचों बीच तीर को आर पार कर दिया इसने इसके। देखो निशाना, देखो आप बिल्कुल निशाना तो यार अर्जुन के बराबर है इनका। बीच तीर को देखो बिल्कुल आर पार कर दिया इन्होंने यहाँ से। ये लोग अभी भी देखो कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर गुफाएं बनी हुई है इस पहाड़ी के अंदर, तो उसमें लंबी लंबी लकड़ियों से कुछ इनके पास में एरोज है उनसे, ये कुछ सर्च कर रहे हैं कि कोई उनके अंदर कोई जानवर छुपा होगा। वो तो यार हमारे से ज़्यादा यही जानते कि कौन से टाइप का जानवर होगा। लेकिन उसके बाद में मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ कि आप देखो ये जंगल देखो और इसकी हालत देखो। यहाँ पर भाई पानी का कोई सोर्स नहीं है। अगर कहीं पर छोटा सा कोई पहले से यहाँ पर बारिश के टाइम में कहीं इकट्ठा हुआ होगा थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, अदरवाइज़ अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। इनके जब तक कोई इनका बच्चा कोई बड़ा शिकार नहीं करता ना, तब तक उसको ये नाबालिग समझते हैं। अगर वो बड़ा शिकार कर लेता है तो उसको बालिग, और उसके बाद में ये अपने ग्रुप में उसको जोड़ देते हैं। क्योंकि यार बच्चों को अकेले वो ऐसे ग्रुप में नहीं भेज सकते शिकार करने के लिए, हो सकता है कि उनको कुछ हो जाए। तो उनको अपने आप को पहले प्रूव करना पड़ता है कि हाँ अभी शिकार के लिए रेडी है और वो शिकार कर सकता है, उसके बाद में ये उसको ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। और इनका जो सबसे अच्छा शिकारी होता है ना, वो इनका मुखिया होता है। मैंने आपको दिखाया कि वो हेड पर वो उसने बांध रखी है ऐसी पट्टी सी, तो वो इनका मुखिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो भाई ये माइनिंग, मैं आगे नहीं जा रहा, बहुत ही डेंजरस है ये। तो ये जो माइनिंग है ना, यहाँ के लोकल लोगों ने की है। मेरे गाइड ने अभी बताया कि यहाँ से वो यहाँ जो उन्होंने खुदाई की है ना, उनमें काफ़ी मात्रा में उनको गोल्ड मिला है। तो इसको कंटिन्यूसली ये देखो माइन कर रहे हैं, और ये जंगल के बीचों बीच है। ये देखो माइनिंग चली रही है इधर, अभी है नहीं कोई इधर, बट कंटिन्यूसली काम चल रहा है इधर। अभी शायद वो लोग आएंगे दोबारा से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही डीप है यार ये, मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बट बहुत ही ज़्यादा डीप है। मैं आगे जाना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि यार कोई पैर वैर फिसल जाए गिर जाए। बट यार ये तो अपने को पता ही है कि अफ्रीका के, अफ्रीका में है ना जो डायमंड है और जो गोल्ड है ना वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो वो भाई ऐसे होती है माइनिंग जैसे मैंने आपको दिखाई है। हंट कर रहा है भाई, कर रहा है ये बंदा। अरे बात, इसने पकड़ लिया है भाई, और ये अभी इसका पंख तोड़ देगा। ये देख लो भाई, बहुत ज़्यादा दया आती है उसको। मैं सिर्फ कैमरा उधर करके मुंह दूसरी साइड कर लेता हूँ, क्योंकि यार ऐसा जनरली हम लोग देखते नहीं है, बट इन लोगों के लिए ये सब नॉर्मल है, इसी के सारे ये लोग जिंदा हैं। और मैं दूसरी साइड था, अचानक से इसने मारी और ये चिल्लाने लगा। तो ये देखो अभी इसका जो मारा था उसका एरो यहाँ पर आके गिरा हुआ है। मैं इसको एरो लौटा देता हूँ, ये टूट गया है यहाँ से। तो भाई आज मैं भाई के साथ में आग जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इनकी प्रोसेस ये है, ये जो स्टिक है ना, एक नीचे लकड़ी है उसके नीचे चाकू है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इस स्टिक को है ना इस पर रोल करते हैं बहुत फास्ट, तो इससे बुरादा बनता है यहाँ पर, और वो बहुत ज्यादा जब फ्रिक्शन होता है तो वो जलने लगता है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, धुआं बन रही है बहुत तेज, मुझे लग रहा है ये जल गई।
चंगल लगवा के। तो भाई हमने जो आग जलाई है मैंने उसी से भाई देखो सस्ता नशा कर रहा है और इसी से इसको एनर्जी आएगी आगे जाने के लिए। मेरे हाथ देखो रेड हो गए पूरे आग जलाते जलाते। मैंने बोला मेरे हाथ लाल हो गए, बोल रहे हमारे देखो हमारे तो पूरा कटा हुआ है, इनके तो छाले बने हुए थे। अब देखो ये जला के दिखाएगा फास्ट, ये तो एक्सपर्ट होते ही है यार। इनको हिंदी सिखा दी यार मैंने, जल गई 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 जल गई। तो भाई ये टेक्निक देखा आपने कि कैसे आग, ये लोग आग जलाते हैं इसी से, जैसे ये थोड़ी सी जलाई इस पे और घास फूस रख देंगे तो ये ज्यादा भी जला सकते हैं। अभी इन्होंने जलाई है यार नशा करने के लिए, इसी से इनको एनर्जी आती है। ये जब हंट के लिए निकलते हैं तब भी नशा करके निकलते हैं और जब बीच में ये थक जाते हैं तब भी नशा करते हैं। आज तो इनसे यही हंट हुआ है, हो सकता है मैं अब कल दोबारा से इनके साथ में यहीं से कंटिन्यू करूँ। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने खुद के चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत ही मस्त मस्त कंटेंट आने वाला है। मैं इन लोगों के साथ में अच्छे से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूँ इनके। इस ब्लॉग में इतना ही, इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और अपने खुद के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो।